तो आज के एपिसोड में मैं लॉयल एसएमपी के अंदर बनाने वाला हूँ सबसे बड़ा शॉप जो कि माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्शन शॉप होने वाला है। तो यार वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और गाइस ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने गैंग को फंड कर सकूँ। और हाँ गाइस अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। हम लोग 10K के बहुत क्लोज है और 10K पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हार्ड कोर सीरीज। तो यस गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो मैं अपने बेस के अंदर हूँ लेकिन मुझे आइलैंड जो है वो पूरा जल्दी से जल्दी सही करना है क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। चारों तरफ जो है ना मॉब्स है और वहाँ पे जो मॉब्स ग्राइंडर है ना उसे पहले मुझे जाके बंद करना होगा ताकि वे सारी चीजों को ना मैं क्लीन आउट कर सकूं और सारे स्कल सेंसर मुझे यहां से हटाने होंगे ताकि मैं अपनी जो पूरी एरिया है ना उसको वापस से सही कर सकूं। तभी मैं मॉब ग्राइंडर के ऊपर आ चुका हूं और यहां मुझे ये सारी चीजों को ऑफ करना होगा। तो यहां पे मुझे कुछ तो दिख रहा है। ओह शिट, नो 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 नो। ओ भाई अब वो जो ऊपर तुम देख रहे हो ना हमें उसे बंद करना है ताकि जितने भी मॉब्स है ना वो नीचे ना गिरे। अभी मैं फिलहाल के लिए ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ मुझे इसे बंद करना होगा। बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना मुझे लगता है यहाँ वाला जो लिवर है इसको बंद करने से काम हो जाएगा आई गेस। ओके सो ये बंद हो चुका है, अब ये काम नहीं करेगा। सो या मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, अभी मुझे नीचे चलना चाहिए और बेसिकली यहाँ से कूद जाना चाहिए। ओ नहीं ओके बच गया मैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके सो वैसे भी ये स्केलेटन तो नीचे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे जल्दी से बंद करना होगा ताकि मॉब जो है ना वो नीचे ना आ सके, वो जरूरी है क्योंकि अगर मॉब नीचे आ गए तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ओके ओके आएगा यहाँ से सीधा। ओके चलो तो जो पूरा एरिया ना इसको पहले तो बंद करना पड़ेगा मुझे। ओ भाई साहब लेट्स गो। ओके सो अभी मुझे यहाँ पे टॉर्चेस लगाने होंगे। रुको मैं टॉर्च लेके आया, तो यहाँ पे टॉर्चेस मैं पहले तो लगा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो जाए। नीचे वाला एरिया बहुत ही है। तभी मैं यहाँ पूरा एरिया जो है ना वो क्लीन करने वाला हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं तो यहाँ पे मेरे को पता चला हो से होता है, तो मैंने ट्राई करके देखा तो काम कर रहा है तो पूरा इसको मुझे क्लीन करना। ओ भाई ये कितना फास्ट क्लीन हो रहा है, लेट्स गो लेट्स गो, मेरा काम हो जाएगा। तो ये पूरी एरिया को मुझे क्लीन करना होगा अभी। एंड यस ये बहुत जल्दी हो रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। तो अभी जो एरिया है वो पूरा क्लीन आउट हो चुका है, अभी बिल्कुल आवाज भी नहीं आ रही है। तो पूरा देखते हो एरिया पूरा एकदम ही सही लग रहा है। अभी जितने भी सारे सेंसर थे मैंने उसे तोड़ दिया, इसे नहीं तोड़ा है बिकॉज यू नो इसको तोड़ूंगा फिर इसके नीचे एक और होगा जैसे यहाँ पे देखो, तो इसको क्लीन करने का सेंस नहीं बनता और ये हमारी पहचान बन चुकी है तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। लेकिन तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस मेरे को टूल्स को नेदरराइट का करना है। मैंने टेडी भाई के साथ जब नेदर में ग्राइंडिंग की थी लाइव स्ट्रीम पे तो मेरे को बहुत सारे नेदरराइट मिले थे। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नेदरराइट स्क्रैप थे एक में तो मेरे पास यहाँ पर है, अभी मुझे और भी बड़ा करना है। तो अभी मेरा सीक्रेट बेस है ना वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला आइलैंड है इससे इधर की तरफ है, मैं नहीं दिखाने वाला वो किधर है। तभी मैं बस वहां पे जाता हूं फिर तुम्हें दिखाता हूं। तभी के लिए मैंने थोड़े सारे एंसेंट डेब्री जो है वो स्मेल्ट करने के लगा दिए क्योंकि मुझे बनाना एक बहुत बड़ा बिल्ड स्पॉन पे, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा टूल चाहिए, वो भी मजबूत होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारा काम अभी उससे मैं करने वाला हूं। तो ऑलमोस्ट मेरे पास यहां पे बहुत सारा तो हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 हो चुके हैं। तो अभी मुझे बेसिकली थोड़े से गोल्ड चाहिए, गोल्ड आई गेस यहां मेरे पास गोल्ड बहुत है, थोड़े स्मेल्ट भी कर लेता हूं इसी बहाने। तो ये रहा इनगट, सब बारी आ चुकी है अपने सारे टूल्स को नेदरराइट में कन्वर्ट करने का। सो या लेट्स गो लेट्स गो एंड लेट्स गो। सो अभी मेरा जो आर्मर है वो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है नेदरराइट में, टूल्स भी नेदरराइट में कन्वर्ट हो चुका है। सो या तभी मैंने अपने सारे टूल्स को अपग्रेड तो कर लिया ताकि मैं जो बिल्ड है जो स्पॉन पे बनाने वाला हूं वो बना सकूं। लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे चाहिए 13,000 से भी ज्यादा ब्लॉक्स जो कि बनेंगे ग्लास के। उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा सैंड, उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे सवाल बना लिए। इसको मैंने अपग्रेड नहीं किया बिकॉज इसमें कोई भी मेंडिंग नहीं लगा हुआ है तो ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन मेरे पास इनफ टूल है जिससे कि मेरे को जितना भी चाहिए वो सामान मैं ले पाऊंगा और अगर भी चाहिए होगा तो मैं बेस से आकर ले जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे उससे पहले ढूंढना होगा एक डेजर्ट क्योंकि डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुझे यहाँ पे डेजर्ट तो मिल चुका है और यस ये मुझे लगता है इनफ होगा। यहाँ पे मैं एक एरिया को पूरा माइन कर दूंगा एंड देन बूम मेरे पास सारा सामान हो जाएगा और वहां पे मुझे एक लेजर आउटपोस्ट भी मिला है। सो यार चलो उसे पहले लूट लेते हैं, अगर वहां पे कुछ मिला तो ठीक है वरना हम आगे बढ़ेंगे। आई गेस एले ले लूं क्या, वर्थ इट रहेगा? मुझे लगता है एले को वर्थ इट रहेगा, अपन सीधा चलते हैं जो काम करने आए हैं, है ना मजा आ जाएगा। ओके अब शिट यार का ओ ओ दिस अ टेंपल व्हाट इज ना, मैं डेजर्ट टेंपल में जब भी आता हूं ना सही जगह पे गिरा हूं मैं। लेट्स गो अब चेक करते हैं व्हाट। तो डेजर्ट के तलाश में मैं आया था और मुझे क्या मिला है, लुक एट दिस गाइस, दिस इज एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। सो गाइस ये बहुत ही ओपी चीज है। तभी मुझे लोकेशन मिल चुका है, ये एरिया बहुत ज्यादा ओपी है, पूरा डेजर्ट एरिया। तो अभी मुझे आपसे क्लीनिंग करनी होगी। सो या एंजॉय द टाइम लैप।
फाइनली सारे सेंट कलेक्ट हो चुके हैं। अभी जो चेस्ट तुम देख रहे हो पूरा चेस्ट भरा पड़ा है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो इनफ मेरे पास है, मैंने कैलकुलेट कर लिया इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे किया थोड़ी ग्राइंडिंग, थोड़ी यहाँ पे एक पहाड़ है उसको ग्राइंड किया था और पीछे की तरफ निकलता वहां पे ग्राइंड किया था, तो ऑलमोस्ट सारी जो एरिया वो कन्वर्ट हो चुकी है। और सारे सेंट कलेक्ट करने में इन चारों एलो का बहुत बड़ा हाथ था यार, इन एलो ने बहुत ज्यादा मदद किया, तो प्लीज चैट में एलो ओपन द चैट हो जाना चाहिए यार, मजा आ जाएगा इनके लिए। और हाँ गाइज, अभी मेरा सारा काम हो चुका है, तो चलो फटाफट चलते बेस पे, सारे सेंट को करते हैं स्मेल्ट और बनाते हैं अपने लिए नया पोशन शॉप। क्योंकि शॉप बहुत ज्यादा बड़ा था इसीलिए मुझे इतने सारे सेंट चाहिए थे ताकि मैं इसको स्मेल्ट कर सकूं, तो यहाँ मैंने अपने बेस पे बहुत सारे फर्नेस लगा दिए जिससे मैं दो या तीन सेट के अंदर ही अपना सारा जो सेंट है वो स्मेल्ट कर लूं ताकि मैं अपना जो शॉप है वो बना सकूं। तो फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, पोशन शॉप बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, तो यहाँ पे हमें मेनली चाहिए था व्हाइट स्टैंड ग्लास, तो ये देखो कितने सारे हैं, ये देखो कितने सारे हैं। तो अभी फाइनली हमारा सारा काम जो वो हो चुका है, तो अभी चलो फटाफट से इसको लेके चलते स्पॉन पे। तो मैंने सारा सामान जो है वो बोट के अंदर भर दिया, तो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चलते स्पॉन पे बनाने के लिए अपना ओपी पोशन शॉप। तो फाइनली मैं स्पॉन पे आ चुका हूँ और यार यहाँ पे ना धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बन रही है, तो अपना भी यहाँ पे कब्जा जमाना पड़ेगा। सो यस, यहाँ पे देखो ये बल्कि भाई का बिल्ड है। ओ ये क्या बनाया किसने, ओके तो यहाँ पे किसी ने ड्रैगन बना दिया और यहाँ पे अपना पोशन शॉप होने वाला है, सो या लुक गुड। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपना सारा सामान जो है ना वो यहाँ पे रखा जाए, और यस जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ रखने की, तो आओ जल्दी से अपना अपना सामान जो है वो यहाँ सेटअप करते हैं। तो फाइनली मैं लॉयल एसएमपी के स्पॉन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे चारों तरफ बिल्ड्स है यार, देख के लगता है यार मेरा भी एक बिल्ड होना चाहिए। और यहाँ पे जितने सारे रॉ मटेरियल है वो मैंने यहाँ पे चेस्ट में लाके रख दिया है, तो फाइनली अब हम रेडी है अपना क्रेजी बिल्ड बनाने के लिए जो कि होने वाला है पोशन शॉप। और तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो यार ये जो बिल्ड है वो कितना बड़ा होगा, तो जस्ट लुक एट दिस, ये जो एरिया मैंने देखो क्लीन किया है वहां तक, ये पूरा एरिया जो है वो अपने पोशन शॉप के लिए है, तो तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा बड़ा होगा, वो दिखने में कैसा होगा वो जानने के लिए तुम इस टाइम लैप्स को एंड तक देखो। यकीन मानो ऐसा तुमने पोशन शॉप कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस पोशन शॉप को मैंने बनाया है अपने दो सिरिकेन की मदद से ब्लेंडर के अंदर, एंड देन फिर उसको 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया है और यहां मैं उसे बनाने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम लैप्स को इन 3, 2, 1। फाइनली अपना जो पोशन शॉप है वो उसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, एक बार देखो ये कितना ज्यादा ह्यूज है यार, मेरे कैमरा एंगल में भी नहीं आ रहा है। तो यस हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी दो इंपॉर्टेंट काम बचता है। पहला कि हमें बनाना होगा एक पोशन फार्म जिससे कि हम पोशन बना सके, क्योंकि इतने ज्यादा कस्टमर होंगे तो डिमांड भी ज्यादा होगा, और अभी तो मैं अकेला हूं तो मुझे चाहिए होगा एक पोशन फार्म। तो मैंने सोचा है कि मैं इस पोशन शॉप के नीचे ही उसे बनाने वाला हूं, और एक इंपॉर्टेंट चीज पोशन शॉप का इंटीरियर जिससे कि लोग अट्रैक्ट होंगे पोशन शॉप के अंदर, तो उसको बनाऊंगा मैं उसके बाद। तो चलो यार तुम्हें मैं पहले दिखाता हूं अपने एक नए वर्ल्ड में कि मैं पोशन शॉप का फार्म कैसा बनाने वाला हूं। तो मैं आ चुका हूं अपने इस सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में, यहां मैं रिसर्च कर रहा था इसी पोशन फार्म के ऊपर जो कि सल्कर क्राफ्ट ने बनाई थी, तो उसी को मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसे बनाना था अपने लॉयल एसएमपी के अंदर। सो यहां मैंने इसे रेप्लिकेट कर लिया, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं कि काम कैसे करता है। तो बेसिकली यहां पे दिख रहा होगा तुम्हें एक ब्रिंग स्टैंड, उसके चारों तरफ यहां पे लगा हुआ है हॉपर, और यहां पे डिफरेंट डिफरेंट हॉपर, और यहां पे लगा हुआ है ड्रॉपर। तो होता क्या बेसिकली यहां पे जो है ब्रिंग स्टैंड है, अगर तुम यहां देखते हो तो इसके अंदर वाटर बोतल और यहां पे ब्लेज पाउडर, ये दोनों चीज इस चीज से आता है, यहां पे लगा हुआ है हॉपर, तो बेसिकली यहां पे हॉपर के थ्रू यहां आ जाते हैं, और अगर तुम्हारा पोशन बन जाएगा तो तुम इस लीवर पे क्लिक कर दोगे। लेकिन पोशन का इंग्रेडिएंट जो है वो यहां पे सारा लिखा हुआ है, तो बेसिकली अगर तुम्हें बनाना है एक पोशन ऑफ वीकनेस, तो बेसिकली तुम यहां से लोगे ये फर्मेंटेड आई और यहां पे तुम इसे डाल दोगे, देखो ये फर्मेंटेड स्पाइडर आई आ जाएगा, तो बेसिकली ये यहां से ऐसा नीचे आएगा और यहां पे इसको बना देगा फर्मेंटेड आई। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या हम इसको स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हां बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे स्प्लैश पोशन और यहां पे ड्यूरेशन बढ़ाने वाला सारा चीज, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें हैं। तो बेसिकली अभी तुम देखो, वेट अ सेकंड, लेट मी शो यू, ये बन चुका है पोशन ऑफ वीकनेस। अगर इसको बनाना है पोशन ऑफ वीकनेस का स्प्लैश पोशन, यानी स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस, तो तुम यहां कर दोगे डायरेक्टली इस पे रेडस्टोन पे क्लिक, सॉरी रेडस्टोन नहीं, गन पाउडर पे क्लिक, तो होगा क्या बेसिकली गन पाउडर यहां पे आ जाएगा, अभी आया नहीं है, टाइम लगेगा। ओह लेट्स गो, आ चुका है। तो अब ये जो पोशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा गन पाउडर के थ्रू स्प्लैश में। तो यहां से डायरेक्टली तुम इस चेस्ट के अंदर तुम देखो अलग अलग चीजें, एक काम करता हूं मैं, तुम एक बार देख लो इसमें स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस एक है और कुछ तो कुछ नहीं। ओके स्प्लैश पोशन सारी मैं फेंक रहा हूं ताकि तुम्हें दिख जाएगी स्प्लैश पोशन इसके अंदर आ भी रहा है, ठीक है। सो अभी यहां पे नहीं है और अभी यहां पे बन चुका है, ओके तो ये बन चुका है। अभी जैसे मैं लिवर क्लिक करूंगा
वो सारे पोर्शन यहाँ आ जाएंगे। देखो स्प्लैश पोर्शन ऑफ वीकनेस, स्प्लैश पोर्शन ऑफ वीकनेस और स्प्लैश पोर्शन ऑफ वीकनेस। तो चलो फटाफट से इसको बिल्डिंग शुरू करते हैं और नीचे एरिया क्लीन करके मुझे बिल्ड करना होगा। और हाँ, यहाँ पे मुझे नेदर वॉर्ड का भी पूरा फार्मिंग करना होगा ताकि सारी चीजें एकदम एक्यूरेटली काम करें। चलो स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद ये जो पोशन शॉप के नीचे का जो एरिया है वो पूरा खाली हो चुका है। और यकीन मानो इसको कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझे, लेकिन अब मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ मैं प्लान है कि 2 पोशन शॉप बनाने वाला हूँ और कुछ स्टोरेज रूम, और यहाँ पे नेदर वॉर्ड की फार्मिंग का भी सेटअप करने वाला हूँ ताकि मुझे कभी भी कोई रिसोर्सेज की दिक्कत ना हो पोशन को बनाने में। फाइनली बहुत देर के मेहनत के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अंदर का थोड़ा बहुत तो सही लगने लग गया। राइट एंड लेफ्ट साइड जो तुम्हें होल दिख रहा है, इसके अंदर एक तरफ स्टोरेज और दूसरी तरफ नेदर वॉर्ड का फार्म है। और राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो तुम्हें चीजें दिख रही है, ये एरिया मैंने खाली किया है पोशन फार्म के लिए, बेसिकली फैक्ट्री टाइप होगा। तो चलो फटाफट से पहले उसको बनाते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लाना होगा, उसके बाद मैं इसको डिजाइन करता हूँ। सोया तो अभी के लिए फिलहाल हमारा बेसमेंट का सारा काम हो चुका है। यहाँ पे जितने दोनों फैक्ट्रीज हैं वो रेडी हो चुके हैं, स्टोरेज सिस्टम रेडी हो चुका है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला एक फार्म है, दूसरा वाला ये पोशन फार्म है, और यहाँ पे हमारा दरवट अभी भी बड़ा हो रहा है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो वो हार्वेस्ट करना बाकी है। और यहाँ पे हमारा स्टोरेज सिस्टम जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यार मेरा ऑलमोस्ट काम तो डन हो चुका है, लेकिन अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे मुझे यहाँ पे इंटीरियर बनाना है। फाइनली मेरा पोशन शॉप जो वो बनके तैयार हो चुका है। एक बार देखो ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है, चारों तरफ मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं एक एक करके तुम्हें ये समझाता हूँ, लेकिन जब तुम यहाँ से आगे आओगे और ये है पोशन शॉप का एंट्रेंस, जरा एक बार देखो ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है। यहाँ मैंने लगाया है पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है वेलकम आसान शॉप, यू गेट ऑल टाइप ऑफ पोशन। तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। और मैं तुम्हें और चीजें समझाता हूँ कि इसका एंट्रेंस कैसा है और अंदर कितनी सारी चीजें हैं। तो यहाँ से जब तुम ऐसा आओगे तो तुम्हें यहाँ पे बिल बोर्ड दिखेगा, तो अगर तुम्हारा चंक हाई है तो तुम दूर से ही देख लोगे। सो यहाँ पे पोशन शॉप का एरो होगा और यहाँ से तुम डायरेक्टली एंट्रेंस ले सकते हो। सो दिस इज वेलकम टू आसान शॉप, और यहाँ से तुम एंट्रेंस ले लोगे। और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पोस्टर देखने को मिलेंगे जो कि मैंने पोस्टर की मदद से बनाया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें निगेटिव पोशन मिलेगा, वो सारे पोशन जिससे तुम अपने ओपोनेंट को हार्म कर सकते हो, जैसे कि पोशन ऑफ वीकनेस, पोशन ऑफ पॉइजन, स्लोनेस, हार्मिंग। और इसके प्राइसिंग तुम यहाँ देख सकते हो, इस पे बहुत सारे डिस्काउंट भी है। तो ये प्राइसिंग अगर तुम्हें महंगी लग रही है तो इसको हम डिस्काउंट में भी सेल करते हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इधर के साइड भी पोस्टर है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पॉजिटिव पोशन जिसके अंदर हीलिंग, रीजनरेशन, स्लो फॉलिंग, स्ट्रेंथ और सारे पोशन है। और यहाँ पे देखो एमरल्ड डायमंड की प्राइसिंग है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे बहुत सस्ते या बहुत ज्यादा महंगे में बेच रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो कि इसका प्राइसिंग मुझे कैसा रखना चाहिए। और यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा पोशन भी देखने को मिलेगा, स्प्लैश पोशन, एक्सटेंड करने का पोशन, एक्वर्ड पोशन एंड और बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे एक प्यारा सा वाटरफॉल है जिसके जस्ट अगर तू ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मैंने होल रखा हुआ है, जिसके पास ट्राइडेंट या इलाइट्रा है तो वो डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता है। और एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, ये जो तुम देख रहे हो ये एक्सक्लोटल मुझे मिला था जब मैं इंटीरियर बना रहा था, तो इसका नाम मैंने लूसी रखा है। और ये बहुत ज्यादा जो है शरारती है, तुम देखोगे ये देखो इसका नाम शोर है, और ये बहुत ज्यादा उछलती है इस वाले वाटरफॉल पे। आगे से ये पसंद आया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कूल दिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी ऊपर नीचे आएगा तो ये इससे मिल सकता है। तो मैंने इसको इसीलिए मेडल
पे रखा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और हाँ, यहाँ पे बाय का पोस्टर है और यहाँ पे 50% ऑफ ऑन 10K सब्सक्राइबर। जब मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 50% ऑफ। इस पूरे शॉप में 50% ऑफ चलेगा, तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यार, तुम में से बहुत सारे लोगों ने तो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यस जल्दी करा दो यार, मैं 10K के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ और मैं तुम्हें और सारी चीजें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये अपना काउंटर है जहां पे मैं रहने वाला हूँ, तो वो मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ। पहले ये देखो, यहाँ पे तो तुम प्री ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ से तुम बुक उठाओगे और बुक में लिख के तुम यहाँ फेंकोगे तो वो हॉपर के थ्रू मेरे पास चला जाएगा। और यहाँ पे है इन, जिससे कि तुम यहाँ पे पैसे डाल सकते हो एमरल्ड और डायमंड, और यहाँ पे तुम्हें आउट हो जाएगा सामान, तुम्हें मिल जाएगा पोशंस, यहाँ पे ड्रॉपर के थ्रू ये तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ पे है सजेशन बॉक्स, अगर तुम्हें कुछ सजेशन देना है प्राइसिंग कम करने या ज्यादा करने से रिलेटेड, तुम वो दे सकते हो। और मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूँ अंदर की तरफ, सबसे ज्यादा कूल चीज तो अंदर है। सो यहाँ पे अगर तुम देखो ना, ट्रैप डोर के थ्रू मैं अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे देखो चेस्ट से मैं सारी चीजें एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो ये ड्रॉपर है जिससे मैं सामान फेंक सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुक प्रॉप चॉप डालूं तो ये देखो ये बाहर चला जाएगा। तो अब तुम मेरे से पूछो कि यार काउंटर कैसा दिखता है, तो ये देखो फाइनल सामने से कुछ ऐसा दिखता है, तो कितना ज्यादा कूल लगता है देखने में। मैं एक बार FOV बढ़ा के तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा कूल लगता है। ये देखो मैं शॉप को एक्सेस कर सकता हूँ, वो भी अकेले ही, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें जल्दी दिखाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो अगर तुम यहाँ पे नीचे आते हो तो एज ऑल मैंने तुम्हें दिखाया था, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक और पोस्टर लगाया है। बेसिकली यहाँ पे अपना फैक्ट्री है और यहाँ पे मैंने सारा सामान भी रख दिया है। मेरे पास अभी इतना ही सामान है और यहाँ पे भी इतना ही सामान है, तो मैंने बस उतना ही रखा है। मेरे पास जितने अवेलेबल पोर्शंस के लिए सामान होंगे मैं उन्हीं को रखूंगा और उतने पोर्शंस ही बनाऊंगा। सो यस, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत सामान रखे हैं, यहाँ पे गन पाउडर एंड ऑल ये रखा है, और ये है अपना पोर्शन का रेसिपी बुक जिसके अंदर सारी रेसिपी लिखी हुई है। और यहाँ पे थोड़ी पिक्सेलेटेड है क्योंकि जगह थोड़ी छोटी थी, बट अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी पोर्शन हम कहाँ से बनाएंगे। और यहाँ पे देखो ये अपना हो गया नेदर वॉल्ट का फार्म, जहाँ पे बहुत सारे नेदर वॉल्ट है। मैं चाहूँ तो यहाँ से अनलिमिटेड नेदर वॉल्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन यार इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इन फ्यूचर इसके लिए फार्म भी बनाऊंगा। और यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये है अपना स्टोरेज रूम, तो एक बार देखो ये कितना ज्यादा ह्यूज है यार। ये स्टोरेज रूम में मैं बहुत सारी चीजें रखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं थोड़ा गरीब हूँ, तो मेरे पास बेसिकली बस ये ग्लास है और यहाँ पे नॉर्मल बोतल और नॉर्मल ग्लास है, तो यार धीरे धीरे मैं इसको फिल करूंगा और सारे चेस्ट को मैं पोशन से भरने वाला हूँ। और मैं बहुत सारी चीजें हैं तुम्हें दिखाने को, लेकिन यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैंने तुम्हें पूरा पोशन शॉप दिखा दिया है, तो तुम बताओ तुम्हें ये पोशन शॉप कैसा लगा, और यार इसको बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगाए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाए कि कैसे बनाए, कितनी सारी चीजें, इतनी सारी प्राइस लिस्ट सब सेटअप मैंने कर दिया यार। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अभी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि शॉप को लोगों को दिखाना, SMP सारे मेंबर्स को इनको बताना। तो मेरा प्लान ये है कि कल 5 बजे मैं इन सारे SMP मेंबर्स को पर्सनल में मैसेज करूंगा ताकि इस पोशन शॉप का मैं इनॉग्रेशन कर सकूं। तो कल 5 बजे होने वाला इनॉग्रेशन, मैं सबको देने वाला इन्विटेशन कार्ड। The next day. अरे आजा आजा। Yo, what's up? Hello. Yeah. हल्ला बोल। अरे आराम से आराम से। Green Potion Shop. पोसान के पोसान। पोसान के पोसान। अरे भाई वेलकम वेलकम। अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। अरे उद्घाटन उद्घाटन हो गया क्या? Yes 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 उद्घाटन हो रहा है। 10 का strength, 20 का invisibility. अरे बस बस बस। अरे अरे PhD भाई जोश 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 उद्घाटन हो जाए भाई। भाई भाई बहुत तगड़ा है। सुनो 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 तो भाई थोड़ी सी ओनर के सुन लो भाई। ओनर के सुन भाई। ओके हां तो बेसिकली अरे बस लूसी मर गई भाई। लूसी तो मार दिया भाई। लो भाई लूसी मैंने नहीं किया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है भाई। भाई यार लूसी चली गई। लूसी मर गई भाई। क्या था भाई ये? किसने किया? किसने मारे भाई? किसने मारा? आपने मारा? मेरे पास रिप्ले है, मैं देखता हूँ, लेता हूँ बदला। सो बेसिकली ये पोशन शॉप जो है, इसमें तुम चारों तरफ देखो हर तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे तुम्हें सारे पोशन उसके प्राइस के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और ये प्राइस मैंने मैक्स रखा है, तो इस पे 10% 15% आराम से डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम हमारे म्यूचुअल गैंग के हुए तो तुम्हें आराम से 40% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। भाई लेट्स गो। यस हाँ दिखाओ 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 इधर हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे भाई क्या है भाई। अच्छा और एक और चीज इधर। अरे ठीक है ठीक है ठीक है इधर आओ इधर आओ। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो प्राइसिंग है सही लग रही है तुम लोग को? एक बार देखो। नहीं नहीं क्या दिक्कत है इसमें? ये तो बहुत सस्ता है, बहुत महंगा है। एमरल्ड उल्टा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो यहाँ पे सजेशन बॉक्स है, वहाँ आप डाल सकते हो। ये देखो इधर आओ, यहाँ पे इससे लिख के यहाँ डाल सकते हो। मेरे को 50% इक्विटी चाहिए इसमें। ओ, 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 भाई एक सेकंड। भाई ओसान भाई तुम विलेजर हो क्या? नहीं भाई मैं बिजनेस। तो फिर एमरल्ड क्यों ले रहे हो बदले में? मैं ले रहा हूँ, एमरल्ड का कुछ काम है मेरे को, मतलब एक ऑफ कोर्स वो भी मनी है ना इस वजह से।
अरे बिल्कुल। अच्छा ये पॉजिटिव पोशन देखो, इसका भी प्राइस सही है। यहाँ पे आपको सारे हीलिंग रीजनरेशन, यस यस, यहाँ पे आप प्री ऑर्डर लिख सकते हो, यहाँ पे प्री ऑर्डर डाल सकते हो। और ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको काउंटर कैसा दिखेगा, लेट मी शो। अभी उधर सब देखो, इधर मत देखो कोई। सो हियर वी गो, वेलकम टू माय शॉप। इधर आओ सारे, इधर आओ। अरे अंदर नहीं आना, गेम में। आई एम योर फर्स्ट कस्टमर। यस यस यस, ए सर को भाई, मैं हूं पहला कस्टमर। सुनो, क्या लड़ना है? मैं हूं पहला कस्टमर भाई, लड़ लो भाई। अरे अरे सुनो सुनो, अरे भाई हेलमेट नहीं है। अरे भाई हेलमेट नहीं है मेरे पे। ओके सुनो लिसन, अभी आप लोग मेरे शॉप पे आए हो इनॉग्रेशन के लिए, तो आप लोग के लिए गिफ्ट है, तो जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ले लो फ्री में पोशंस भाई, फ्री में। हटो 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 भाई, आगे जाओ, यहाँ नहीं आगे जाओ भाई, ये गलत बात है भाई, कोई बंदा अंदर से निकाल रहा है भाई, ठीक है भाई। सॉरी मेरे को मिल गए, सॉरी भाई, मिल गए। आना किसी को है, और किसी को चाहिए? ये लो, यस यस, डालो डालो डालो। अरे अब हेलमेट बन के आया हो भाजा भाई। छी भाई, छी भाई। अरे स्ट्रेंथ मार, ए मुझे स्ट्रेंथ भाई, कोई युग भाई क्या कर रहे हो भाई? टीममेट्स प्रो टीम। या या अभी आई टीम। अरे हमारी टीम का मैटर ही नहीं है, हम नहीं आ रहे। ओके ओके, हम सिर्फ अपने टीम के मैटर मार खरीदनी है भाई। जल्दी औसान मुझे स्ट्रेंथ दो, यहां पे फाइट हो रही है भाई, स्ट्रेंथ दो जल्दी। मैं डाल रहा हूं, औसान स्ट्रेंथ, युग एंड औसान भाई, स्ट्रेंथ मारे क्या? ये लो युग एंड औसान भाई, रिलैक्स, हमारी टीम का मैटर नहीं है। ओके ओके, ओ हाँ हाँ, ओके रिलैक्स रिलैक्स, लड़ने दो, इन दोनों टीम, ये दोनों टीम्स मेंबर्स लड़ रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। सो बेसिकली मैंने आपको जो शॉप है पूरा शोकेस कर दिया, कैसा लगा शॉप एक बार बताओ? मतलब मस्त भाई, मस्त होते भाई, बहुत तगड़ा। अच्छा अच्छा, ओसान के वेरी गुड, वेरी गुड, ओसान के पसान। ओके भाई, एपिक है। ओके सो अभी देखो, अभी आप लोग ये मत सोचो यार महंगा है या फिर ऐसा नहीं है, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? अभी यहाँ देख रहे हो पोस्टर, ये देखो यहाँ पे पोस्टर है, 50% डिस्काउंट मिलने वाला है जब मेरे 10 के होंगे, 48 आवर के लिए 50% भाई, फुल सेल भाई, ऐसा मत करो। सब्सक्राइब टू ओसान गेमिंग। यस भाई, ये सब, लेट्स गो। चलो भाई, ये कौन सा डिस्काउंट है भाई? भाई अबे यार ये किसने, भाई ऐसा मत करो यार, ठीक है भाई? भाई जीरो को बुलाना पड़ेगा लगता है, ठीक है? ओके भाई, सुनो 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 सुनो, अभी मैंने पूरा शॉप शोकेस कर दिया, कभी भी किसी को कुछ भी चाहिए रात के 12 बजे 1 बजे मेरे को बोलना, मैं लाके आपको शॉप में सामान दे दूंगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग ऑर्डर करोगे, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से, दवा दवा के ऑर्डर करेंगे। ओके भाई, बाय 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 सर, अब आप सब जा सकते हैं। चलो गाइज अपने अपने अड्डे पे, चलो गाइज निकलो हमारी गैंग। ओसान भाई मेरे को तो फ्री में मिलेगा ना गैंग? अरे हाँ, गैंग मेंबर को 50% ऑफ, 40% सॉरी, लेट्स गो। ओसान भाई, लूसी भाई, लूसी गई यार। अरे कोई नहीं भाई, लेंगे लेंगे, बदला लेंगे भाई। और मेरे पास एक सजेशन ओसान, एक काम करो, देखो ये डायमंड एमराल्ड वगैरह से हमारी गैंग की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होगी, एक काम करो ना, कुछ हर्ट वगैरह के बदले में एक किट बना दो पोशंस की, जैसे कि उसमें स्ट्रेंथ पोशन डाल दो, इनविजिबिलिटी पोशन डाल दो, वो चीज बंदे खरीदेंगे, ठीक है? जैसे एक हर्ट के बदले में कुछ ऐसे 20 पोशन मिलेंगे और कुछ ऐसे करके हमें हर्ट, और उसका ना थोड़ा बहुत हमें कमीशन दे दिया करना। ओके भाई, और जुगाड़ लगा देना, जैसे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो थोड़ा हेल्प कर देना और मैं बनाता हूं किट। अरे डन है, डन है, डन है, डन है। और हां, अपने को ध्यान रखना है कि अपने गैंग सबसे ज्यादा पावरफुल हो और रिच हो, ताकि हम और yes, yes, yes. पर इधर इधर कुछ आप लोग को दिखाना है, अपने टीम मेंबर्स हो ना, एक बार नीचे आओ, कुछ दिखाना है आप लोग को, अंदर आओ। चलो चलो भाई, ये देखो भाई, फुल भाई। फैक्ट्री बना रखी है भाई पोशंस की, एक बार देखो। ओ यस, ये तो एक सीक्रेट बेस की तरह भी काम करती है। या, 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 और हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने लगा रखा है, यहाँ पे ट्रैप भी है, अगर कोई अननोन बंदा आता है तो फंस जाएगा, वो मैं नहीं दिखा सकता वो है, बट यस ये देखो यहाँ पे पूरी रेसिपी है, तो मतलब ऐसा है ना हमारे लिए, अभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा हर्ट का सीन करना अपने को, एंड देन बूम भाई अपना गैंग पावरफुल हो जाएगा, बन जाएगा भाई, बन जाएगा। स्टोरेज रूम है ये, नेदर वॉल्ट रूम है। अभी हमने गैंग का नाम तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ हमारी गैंग। ओए कोई इनविजिबल है शायद यहाँ पे जो मार रहा है, जाने मत देना, बचना पाए, ध्यान से, मेरे को मत मारना कोई, ये रह रहा, इसका पोशन खत्म होने है। ओ लाइटर, पीएसजी बने, अपनी कॉपी। ओ मर गया, मर गया, बल्की था, बल्की था, बल्की प्ले, मर गया सर। ओ क्रेजी, लेट्स गो, मिला मिला मिला,
ये कहाँ मरा है, कहाँ मरा है, पता नहीं कहीं पे तो मरा है। ऊपर ऊपर सामान, लो 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 लो, लेट्स गो भाई। वो भाग रहा, वो भाग रहा, कोई किधर है, किधर है, किधर है, ये कौन नहीं है? अरे तुम स्पाई कर रहे थे? Yes, हमारे स्पाई कर रहे थे। ना ना ना, स्पाई किया था तुमने, स्पाई किया था। ऐसे नहीं चलेगा भाई। सर फाइनली मेरा जो शॉप का इनॉग्रेशन है वो हो चुका है और बहुत सारे लोग आए मेरे शॉप पे और बहुत सारे लोगों ने प्री ऑर्डर भी। लेकिन यार अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमारा शॉप स्टार्ट हो चुका है, सो हमारे गैंग को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, तुम लोगों को अगर पता ना हो तो मेरे गैंग में अभी युग है, मेरे गैंग में टेडी गेमिंग है। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ हुई कि मेरे लूसी को किसी ने मार दिया है, पता नहीं है, मैं देखता हूँ रिप्ले मोड में क्या है, अभी देखूंगा मैं इसके बाद जब जाऊंगा एडिट करने। सो यार जो भी होगा मैं तुम्हें वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किसने लूसी को मारा है, तो हम लेंगे एकदम बराबर उसका बदला, ताकि उसको हम सबक सिखा सकें कि हमारे गैंग के किसी भी पेट को मारने का नतीजा क्या होता है।